तो कैसे हैं आप लोग? किसी स्टार ने अपनी फिल्म बनाई, उसमें अपने बेटे को लिया, उसका डेब्यू करवाया, तो लोगों ने और यूट्यूब वालों ने कहा नेपोटिज्म। अब एक दूसरी साइड चलते हैं, जहां पर एक यूट्यूबर ने अपने व्लॉग चैनल से अपने छोटे भाई का यानी 13 साल के लड़के का गेमिंग चैनल प्रमोट किया, तो ये लोग कहते हैं मैंने सिर्फ इसे सपोर्ट किया। शाबाश। अब बात है कंटेंट की तरफ, तो आप देख सकते हो आपके सामने एक सुपर हीरो है, ये बताओ कि कौन सा सुपर हीरो है। अगर आप बता पाते हो तो कमेंट कर देना, अगर नहीं बता पाते तो किसका पागल बना रहे हो यार। टाइटल और थंबनेल में आपने देख लिया होगा कि कौन सा सुपर हीरो और किसके वर्सेस में होने वाला है। पिछले एपिसोड में वो थोर मुझे उठा ले गया था एस्कार्ट, लेकिन मुझे लगता है आयरन मैन से वो डर गया और आयरन मैन के कहने पर उसने मुझे छोड़ दिया। अगर वो फिर से पृथ्वी पर आया तो मैं उसे बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, उसे मैं जान से मार दूंगा। मुझे काफी गुस्सा आ रहा है और मैं जाता हूँ तबाही मचाने के लिए। देख दो गाड़ी, तब तक फोड़ूंगा नहीं, तब तक मुझे मजा आएगा ही नहीं। तो कौन सी गाड़ी फोड़नी चाहिए बताओ यार, इतनी ज्यादा यहाँ पर गाड़ियाँ घूम रही है, या फिर मुझे बिल्डिंग को ब्लास्ट करना चाहिए? जो आप कहोगे उसे ब्लास्ट कर देंगे, आपको सिर्फ लाइक करना है। हाय गाइस, मैं हूँ ऋतिक रोशन और दिस इज फैंटास्टिक। और मुझे लगता है शहर में किसी को दिक्कत है तो मुझे उसे सुलझाना पड़ेगा कैसे ना कैसे करके। तो ठीक है, जल्दी जल्दी यहाँ से मैं जंप लेता हूँ और जादू की पावर से मैं काफ़ी तबाही मचा सकता हूँ। तो ठीक है, तबाही नहीं बचानी, शहर को बचाना है। देखते हैं कौन ज़्यादा दादा बन रहा है, उसको देखते हैं और उसको पकड़ के लाते हैं, पीटते हैं पूरी तरह से। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पर भागता भागता हुआ आ चुका हूँ, उसी के साथ यहाँ पर लोगों की भगदड़ मच चुकी है। और एक मिनट, पीछे की तरफ से मुझे आवाज़ आई, तो मुझे लगता है वहीं पर विलन हो सकता है, तो जल्दी जल्दी चलते उससे पकड़ते हैं। और गलती से टक्कर लगी भाई साहब, देश बचाता हूँ तो एक दो गाड़ी ठुक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ ही कहाँ पर है भाई साहब? ओके, वो रहा हरा कुत्ता और मुझे लगता है वही तबाही मचा रहा है। तो ठीक है, जल्दी जल्दी उसके पास चलते हैं और उसको सबक सिखाते हैं। आइला, ये तो मुझे ही लग गई, तुम कौन है भाई साहब ये और यहाँ पर तबाही क्यों मचा रहे हो? मैं हल्क हूँ और मुझे काफी गुस्सा है, इसलिए मैं तबाही मचा रहा हूँ। अगर तुझे गुस्सा आएगा तो तबाही मचाएगा, अगर मुझे गुस्सा आता तो मैं तोड़ता हूँ। ये ले, एक और मारू क्या? ये ले, मेरी बारी है। आइला, काफी जोर का मारा तूने तो। अभी मारा ही कहा है, अभी तो तू पिटेगा। तूने मेरी मूवीज नहीं देखी होगी मैंने किस तरह से लोगों को पीटा है, और तूने मेरी नहीं देखी होगी मैंने किस तरह से बिल्डिंगों को तोड़ा है। आइला, काफी जबरदस्त है तू तो। वैसे तेरा नाम क्या है? हरी हाथी? मैं हाथी नहीं, हल्क हूँ। और मैं कृष्ण ही ऋतिक रोशन हूँ। मैं हॉलीवुड का हल्क हूँ। और मैं बॉलीवुड का कृष्ण। मेरी फैन फॉलोइंग तुझसे ज्यादा है, लेकिन लोगों की डिमांड तो मेरी है ना। तेरी डिमांड कैसे ज्यादा है? आइला, जब मैं बाहर निकलता हूँ लोग मुझसे पूछते हैं क्रिश फोर कब आएगी, लेकिन जब तू बाहर निकलता तो उससे कोई पूछता है कि हल्का अगला पार्ट कब आएगा? ये बातें करके तो मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अभी तक तो क्या मैं तेरी मसाज कर रहा था, अभी तो मैं तुझे गुस्सा ही दिला रहा था। और ये गोला किसने मारा मेरे ऊपर? रुक जा अंकल, आ रहा हूँ तेरे पास। पुलिस वाला होकर क्रिश को मारता तुझे पता नहीं क्रिश यहाँ का रखवाला है। ये ले। उसी के साथ वो हरा चिंपैंजी तो डर कर भाग गया है, मुझे ढूंढना होगा वो कहाँ पर गया है, वो और लोगों को भी तबाह कर सकता है। तो ठीक है, मुझे उसे ढूंढना पड़ेगा। तो ठीक है, उस तरफ से थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही है, तो चलकर देखते हैं वही इस तरफ हो सकता है। तो यहाँ पर ओके नहीं है मेरे हिसाब से। ये ले। आइला, जोर का झटका। अभी पड़ा नहीं, अभी पड़ेगा तेरे पर। तू मुझे जानता नहीं है, जैसे जैसे तुझे मुझे मारेगा वैसे वैसे मैं और ताकतवर होता रहूंगा। और तू जैसे जैसे मुझे मारेगा मैं और भी ज्यादा गुस्सा होगा, जिससे मैं तेरी बैंड बजा दूंगा। आइला, गाड़ी उठाता ये ले, और ये ताली क्या पीटता है? ताली पीट कर ही तुझे मारूंगा। आइला, तू तो बड़ा घटिया सुपर हीरो, कहाँ का सुपर हीरो जब ताली बजा बजा कर लोगों को मार रहा है। उसी के साथ एक मिनट ये ले, आप बता कौन ज्यादा बड़ा सुपर हीरो है? तो बता कौन बड़ा है? ये ले, एक और दो क्या? आइला, तू क्या मुझे देगा? ये ले, मैं तुझे मारता हूँ। ये तो उल्टी पड़ गई, लेकिन अब की बार मैं तुझे मारूंगा, रुक जाए। ये ले, काफी जोर का मारा ना। तू भी ले। ओके, ये ख्वाहिश भी मैं तेरी पूरी कर दूंगा, एक और तुझे मारूंगा, रुक जाए एक मिनट, मुझे खड़ा होने दे। हो जा खड़ा, तुझे मैं बताऊंगा कि हल क्या है। बता ना, जल्दी जल्दी बता, हल क्या चीज है? मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कितना ज्यादा भद्दा चेहरा है तेरा। आइला, बता ना हल क्या चीज है? मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता कितना ज्यादा भद्दा चेहरा है तेरा। वैसे तो रोडों को तोड़ सकता है, मुझे नहीं। मैं सब कुछ तबाह कर सकता हूँ। सब कुछ तबाह कर सकता है? रुक जा, भी तुझे दिखाता हूँ। एक मिनट, रुक जा, ये उठा सकता हूँ? नहीं नहीं, काफी भारी है। ये ले, मैं तुझे तो उठा सकता हूँ। अभी तुझे दिखाता हूँ कि बॉलीवुड में कितना ज्यादा दम है। किस बॉलीवुड की बात कर रहा है जो बॉयकॉट पर चला हुआ है? बॉयकॉट स्टार किड्स का होता है। तू भी तो स्टार किड है। आइला, मुझे तो एक्टिंग आती है ना, लेकिन
तो जिसको नहीं आती उसका बॉयकॉट होता है, आप समझे मेरे भाई। तो अब मैं तुझे लेकर जाने वाला हिंदुस्तान। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे हल को नीचे बिछा दिया है, उसी के साथ ही मुझे देखना ये है। अब मैं इतने मोटे आदमी को उठाकर नहीं लेकर जा सकता, तो मुझे कुछ ना कुछ जुगाड़ लड़ाना पड़ेगा कि इसको लेकर कैसे जाऊँ। एक मिनट, उस तरफ से थोड़ी बहुत आवाज़ आई और यहाँ पर कौन से नई पावर आ चुकी है, कोई हल्का ही छोटा मोटा भाई घूम रहा क्या। तो जैसे हल को पिला वैसे उनको भी पिला दूंगा, देखना ये है। लेकिन है तो है कौन, तो यहाँ पर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। गाड़ी अपने आप उड़ रही है, साउथ की फिल्म की शूटिंग चल रही है क्या। एक मिनट, वहाँ पर कोई उड़ रहा है, कौन है तू। बेटा तू मुझे जानता नहीं है, मेरा नाम है आयरन मैन और चुपचाप बता हल कहाँ है, तो अगर तू बता दे और अच्छी बात है। हल को तो मैंने पीट दिया बुरी तरह से। तो अब तू पीटेगा बुरी तरह से, तो हल को क्यों मारा, कहाँ पर है हल्क। पिटा हुआ हल्क पीछे ही तरफ है। वैसे तेरा नाम क्या है। मेरा नाम क्रिश है। और तू आया कहाँ से है। मैं बॉलीवुड का क्रिश हूँ। तो वैसे तू पिट के चला जाएगा या फिर ट्रेंड चलाना पड़ेगा बॉयकॉट क्रिश। आइला बॉयकॉट नहीं चलाना, अगर लड़ना बस के तो चुपचाप लड़ना। अच्छा बेटा लड़ना हमारे बस की नहीं है, तो रुक एक मिनट तुझे दिखाता हूँ। तो क्या मुझे दिखाएगा, मैं तुझे दिखाता हूँ ये ले। बेटा ये पुरानी चाले हैं, नई चाले सीख के आओ यार। नई चाले कहाँ से सीखे, जब हमें बनानी ही रीमेक है तो। ओह तो आप 100% तो बॉलीवुड से आ जाओ, मैं समझ ही नहीं पाया कि तुम उस बॉलीवुड से आ जाओ जो रीमेक पर रीमेक बना रहा है। और तूने नाम बताया क्रिश, ओके तो ऋतिक रोशन है। हाँ मेरे भाई आप समझे ना। तो विक्रम वेदा भी रीमेक थी लेकिन बढ़िया थी गुरु, तुम गजब की एक्टिंग करते हो। मैं मारता भी गजब का हूँ। आयरन मैन से तो तुम इतना ज़्यादा पिट के जाओगे क्या ही बताऊँ। मैं पिटने वाला से नहीं हूँ। तुम नहीं पिटे हो तो क्या हुआ, हम तो पीटेंगे ना मेरे भाई। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, कोई भी हो तुम, मैं तुझे पूरी तरह से पीटूंगा। आइला ये बॉम्ब किसने फेंकी, उसी के साथ ही अपना ही बॉम्ब फेंक के कोली दिल का खा गया। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मार पाओगे। मुझे पता है मैं तुम्हें आसानी से नहीं मार पाऊंगा, इसलिए मैं तो थोड़ी सी दिक्कत दूंगा उसके बाद पी लूंगा। ओ भाई क्या गजब मारा है, लेकिन मैं सेफ लैंडिंग करूंगा ये ले। काफी अच्छा मेंटेन कर रखा भाई। और ये क्या काफी पूरे वाला मारता भी हूँ ये ले। एक मिनट ये क्या चलाया। अगर ऐसी पावर तुम्हें समझ में आती तो आज तुम हमारी जगह होते। ये बात भी सही है, तो क्या लगता है तुम्हें मैं तुम्हें पेल नहीं पाऊंगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम ताकतवर हो यार। अगला मुझे तारीफ सुन के बहुत मजा आता है। तारीफ सुन के तुम लोगों को मजा तो आता है बॉलीवुड वालों को, लेकिन तुम्हारी कोई तकरता तो नहीं ना। क्या बताऊँ कोरोना के बाद टाइमिंग सारा खराब चल रहा हमारा। कोरोना के बाद लोगों को पता चल गया भाई कंटेंट होता क्या है। लोग हमसे ज्यादा साउथ की फिल्मों को देख कर काफी पसंद करते हैं, हमारी फिल्मों को पसंद ही नहीं करता। बेटा कुछ ढंग का लाओगे तो दुनिया देखेगी, लेकिन तुम क्या कर रहे हो यार, कुछ भी बना देते हो। तुम हमारी फिल्मों की बेइज्जती कर रहे हो क्या, तुम हमारी फिल्में कभी देखी है। हाँ अभी देखी थी, वो एक फिल्म आई थी ना किसी का भाई किसी की जान। अच्छा तुमने वो देख ली, वो तो थी बकवास। नहीं नहीं यार अपने कंटेंट के बारे में ऐसा नहीं बोल सकते, तुम बॉलीवुड वाले हो ऐसा नहीं कर सकते। तुम विक्रम वेदा में एक कहानी सुनाते थे, मतलब जब भी मिलते थे, तो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। अयला कहानी फिल्म की स्टोरी है क्या, मैं उसे भी कॉपी कर देंगे। इतनी बड़ी नहीं है कि तुम उसे कॉपी कर पाओ। कोई दिक्कत नहीं है, तुम कहानी सुनाओ, थोड़ी तुम्हारी उठा लेंगे थोड़ी साउथ की उठा लेंगे, उसे मिक्स करके एक अलग खिचड़ी पकाकर और लोगों को बेच देंगे। गजब तू भी आज आदमी हो। तुम जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारी कहानी क्या है। सुनो एक सुअर है, वो किचन में लिपटा हुआ है, तब भी वो सुअर ही रहेगा। उसी के साथ दूसरी तरफ एक और सुअर है जो एकदम साफ सुथरा खड़ा हुआ है, तब भी वो सुअर है। तो इससे क्या समझ मिलता है कि एक सुअर गंदा है और दूसरा नहाता रहता है। नहीं नहीं नहीं, इससे सबक मिलता है वंस अ सुअर ऑलवेज अ सुअर। तो इससे हमारा क्या लेना देना। बेटा इससे कुछ लेना देना नहीं, कुछ नहीं, तू मौज कर, तू अपनी जिंदगी ले। एक और बात, तू किसी यूनिवर्स का हिस्सा है ना। हाँ हाँ स्पाई यूनिवर्स। बड़ा पागल काटते हो लोगों का। अब इसमें क्या दिक्कत है, सारी फिल्म में पिटते रहते हो, तुम्हारा प्लान कैंसिल होता रहता है, प्लान फेल भी होता रहता है, उसके बाद ये एटीट्यूड ऐसा कि जैसे देश बचा लिया हो। तो फिल्म में देश तो बचाते ही ना। बेटा वो स्क्रिप्टेड होता है, कभी बॉर्डर पर जाकर देखो पता चले। अगला तो फाइट पर फोकस करना। मैं तो भूल ही गया था फाइट पर फोकस करना। तो जब भी बताता हूँ तेरे को, ये ले एक और ले, अब एक और ले, उसी के साथ ही अब ये ले। तुझे पता चला है क्रिश क्या चीज है, हम सिर्फ रीमेक नहीं बताते, एक आधी बार ओरिजिनल भी दे देते हैं। एक आध बार ओरिजिनल बनाने से फैन फॉलोइंग रिटर्न नहीं होगी। तो अब क्या करें, मेरे कहने से तुम सुधरने वाले हो नहीं। बात तो सही है। तुम्हें जो करना है वो करो, लोगों को डिमांड है कि ओरिजिनल मिले, लेकिन तुम रीमेक लेके आते हो, उसका इधर से उधर भागकर प्रमोशन करते रहते हो, चल जाए इसे साबित। तुम घोड़े होकर गधे की रेस में भागते हो। अच्छा बेटा ये ले एक और ले, और ये ले एक और, तो क्या ये ले अब ये ले, तो हमें कदा बोलेगा तू।
मैं तुझे गधा नहीं बोल रहा, मैं तुझे घोड़ा बोल रहा हूँ। जो इस रेस में तू भाग रहा है और रीमेक वो गधों की रेस है। अच्छा बेटा, हमारे कंटेंट को बकवास बताएगा? कब बकवास है तो बकवास बताया जाएगा। तो ठीक है, देख रहा ये कि तू क्या उखाड़ लेगा। अच्छा बेटा, बेइज्जती बहुत कर ली तूने, अब मरेगा भी तू। तुझे पता चलेगा कि क्रिश क्या चीज है। इस फाइट का नतीजा अभी तय नहीं हुआ कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अच्छा बेटा रुक, अभी तुझे बताता हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। तू मुझसे पंगा लेगा? ये ले। मुझे पता तो चले क्रिश क्या चीज है, कितना ताकतवर है, क्रिश किस चीज का नाम है। ऐसे ही थोड़ी फेमस हो चुके हैं। अच्छा तू मुझे मारेगा? रुक एक मिनट, रुक जा, मुझे खड़ा होने का मौका दे। तो एक मिनट रुक जा भाई, मैं पागल थोड़ी से तुझे खड़ा होने का मौका दूंगा, तो ये तुझे पिटता रहूंगा। तू मौका नहीं दो इसका मतलब ये थोड़ी मुझे मौका ही नहीं मिलेगा। तो ये ले ये ले ये ले आई ले, काफी जोर का झटका था, ये ले। अब बताऊंगा ना तुझे, ये ले। अब तो तू मर के ही मानेगा, ये ले, ये कर ले। और तू क्या, ये ले, अब ये ले। तो अब मुझे ओके, दोबारा उठता तू, ये ले। अब मैं तेरे पर पहाड़ फेंक दूंगा, एक तो पहाड़ और फेंक क्या क्रिश? ये पहाड़ नहीं पत्थर है, जो कुछ भी है तेरे ऊपर और फेंकू क्या? वैसे तेरे से कुछ होने वाला नहीं है, तू पत्थर फेंक कर खुश रहे। पूस बैटरी लो। जार्विस बैटरी कैसे लो हो सकती है? पूस आपने सूट का कुछ ज्यादा इस्तेमाल कर दिया। ओह शिट आइला, अब तो मजा आ जाएगा, तो अब तो तुझे हराने में और भी ज्यादा आसानी रहेगी। ये ले, अब ये ले, तू तो डिस्चार्ज हो गया। जार्विस बची हुई बैटरी को सूट में डाल दो, संभालो क्रिश। आइला यार मुझे मारेगा, तेरी बैटरी लो हो चुकी, देखता हूँ कितनी देर टिक पाएगा। ये ले, और तो क्या, ये ले, तो ये ले। बैटरी 0% स्विच ऑफ। देखा, मैं जीत गया मां, जीत गया। तो कैसे हैं आप लोग, बैपरविन गेम पर आपका स्वागत स्टार्टिंग में करना चाहिए था, लेकिन क्या करूँ यार, इन लोगों की बहस ही खत्म नहीं हुई। इसी के साथ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना। डिस्क्रिप्शन अंदर फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम का जितना भी लिंक है वो कर लो, क्या चाहता तुम्हारा। उसी के साथ ही लाइक कर जरूर बताना, और मतलब कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो आज इतना ही, मिलते किसी और वीडियो। बताओ यार किसके वर्सी में कौन चाहिए। बाय।